सबसे पहले हम स्वागत करते हैं हमारे चीफ गेस्ट मैम एसएसपी मैम रियासी रश्मि वजीर जी का, एडिशनल एसएसपी साहब सुजीत कुमार सर जी का। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम कल्चर के फील्ड में, म्यूजिक के फील्ड में अगर कुछ कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन हमारा इतना साथ दे रही है, पुलिस डिपार्टमेंट हमारे साथ खड़ा है, ये हमारा सौभाग्य है। मैम सिंह गुरजीत जी रियासी से हैं। मैं गुरजीत सिंह जी के लिए बता दूं कि इन्होंने म्यूजिक में मास्टर्स भी की हुई है और प्रोफेशनली इन्होंने ग्रेजुएशन इन म्यूजिक की हुई है। बहुत ही टैलेंटेड सिंगर है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। क्या अभी पहले इश्क़ रोग डोगरी गाना आया और संजू गाना जो है इसका, इसको लिखा है हमारे केशव शर्मा जी हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं, और इसका म्यूजिक किया है यंग बी जी ने, बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर है, और इसका वीडियो किया है बेस ब्रोस फिल्म प्रोडक्शंस ने, और जो जिस कंपनी ने रिलीज किया है बहुत बड़ी फर्म है जे ए प्रोडक्शंस, जो यूके बेस्ड कंपनी है, म्यूजिक प्रोडक्शन हाउस है। अंकुशा मैम वो इनके जो है वो ऑनर है प्रोडक्शन हाउस के। तो कल ये गाना रिलीज हुआ है, आज हमारी रियासी में प्रेस रिलीज है इसकी। ओके देकर अपना प्यार अपना सम्मान उन्हें अपने रुतबे का गुमान नहीं है, वो आसमां है फिर भी सर झुका कर चलते हैं। या प्लीज मैम और आप प्लीज सर। जिंदगी से यही गिला है मुझे, जिंदगी से यही गिला है मुझे कि तू बहुत देर बाद मिला है मुझे। हम सफर चाहिए हजूम नहीं, बस एक मुसाफिर ही काफिला है मुझे। ये एक ही शेर है जो मैंने याद कि गुरजीत से इंस्पायर हूँ, गुरजीत ने जो कामयाबी हासिल की है उससे प्रोत्साहित होकर वो भी एक सही दिशा में अपना कदम आगे बढ़ाए। एक बार फिर मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि उन्होंने इतना खूबसूरत जो एक एल्बम है इनका रिलीज हुआ और इसको बहुत सारा प्यार मिले, इस एल्बम को लोग बहुत अप्रिशिएट करें, उसको बहुत लाइक्स मिले, यही हम चाहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और चमन लहरी और गुरजीत को तो थोड़ा क्लोज से हमने देखा, बाकी लोगों को भी हमने देखा, यहाँ बहुत टैलेंट है। और आज जो वीडियो रिलीज हो रहा है इनका, मैं अपनी तरफ से इनको बेस्ट विशेष देता हूँ कि इनको और दिन दुगनी रात चुकी तरक्की मिले और अपने फील्ड में ये अच्छी तरह से। तो सर प्लीज दो शब्द आप सिंह गुरजीत के लिए और हमें भी थोड़ा आशीर्वाद देंगे अगर आपको अच्छा लगे। मोस्ट रिस्पेक्टेड एसएसपी मैडम और उन्हीं के साथ एसपी साहब, मैडम मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इस मिट्टी की खुशबू कितनी अच्छी है, ये मिट्टी कितनी शराब है, ये तो दूर दूर से जाके पता चलता। हम पिछले 1.5 साल से ये देख रहे हैं इनके नुक्कड़ नाटक, इनकी लेवल ऑफ सिंगिंग जो है, डांसिंग जो है, एक्टिंग जो है, जो थिएटर करते हैं बच्चे, वाकई वो काबिले तारीफ़ है। और हमने भी इनको जम्मू कश्मीर पुलिस और डिस्ट्रिक्ट पुलिस रियासी की तरफ से यही कोशिश रही कि बच्चों को, यहाँ का जो यूथ है उनको भी एक ऐसा स्टेज, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल सके जिसमें वो अपना हुनर जो है ना सिर्फ रियासी के लोगों को बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों को और पूरे देश भर में और इंटरनेशनली भी ये इनको लोग रिकग्नाइज़ करें इनके टैलेंट को। हमारी तो यही विशेज़ हैं इनके लिए। आज का जो वीडियो है, जो एल्बम रिलीज़ हुई है गुरजीत सिंह की, वो मैंने कल देखी, इन्होंने मुझे वो सेंड की और मैंने वो देखी और मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये कहाँ शूट हुई, लग रहा है जैसे पता नहीं कहाँ फॉरेन में कहीं शूट हुई है। और सिनेमाटोग्राफी का बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है, इनके कॉस्ट्यूम्स बहुत खूबसूरत एल्बम बनी है, गाना भी बहुत खूबसूरत है, लिरिक्स बहुत अच्छे हैं, तो मैं तो काफ़ी प्रभावित हुई हूँ। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद द स्टैंडर्ड ऑफ दिस वीडियो एंड द एल्बम विच हैज़ बीन मेड। और मेरी यही दुआ है, मेरी बेस्ट विशेज इनके साथ हैं कि इनको इसमें काफ़ी सक्सेस मिले और आगे जाकर ये अपना नाम जो है और ना सिर्फ देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी अपना उनका नाम हो और ये एक इंस्पिरेशन बने यहाँ के बच्चों के लिए। एक वक्त था जब इस तरह के गाने करने के लिए मुंबई जाना पड़ता था, फिर पंजाब में इंडस्ट्री बनी, अब जम्मू में ही ये सब होना शुरू हो गया है, तो इसे किस तरह से देखते हैं आप कि आने वाले दिनों में भी यहाँ पे उस तरह की इंडस्ट्री बनने जा रही है? देखिए कश्मीर में तो शुरुआत हो चुकी है, बॉलीवुड से बहुत पर्सनालिटीज़ प्रोडक्शन हाउसेज आए और जब उन्होंने यहाँ की खूबसूरती देखी तो वो तो चकित ही रह गए और उनको लगा कि आज इतने सालों से वो देवर मिसिंग आउट ऑन सो मच। तो अब वो कश्मीर का तो पता ही है कि कश्मीर तो खैर जन्नत मानी जाती है पूरी दुनिया में, मगर जम्मू में भी बहुत खूबसूरती। और मैं आपको बता दूँ जो रियासी है खासकर, ये एक अनटच्ड
ब्यूटी जिसे कहते हैं, इसमें डेवलपमेंट नहीं हुई है, सिर्फ इतनी कमी है। अदरवाइज़ जो नेचुरल ब्यूटी रियासी की है वो इनकम्पेरेबल है मेरे हिसाब से। इधर बहुत लोग आते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल से लोग आते हैं और मैं उनको जगह जगह लेकर जाती हूँ, वो बहुत इम्प्रेस होते हैं। ओनी है रियासी जहाँ पे वो पैराग्लाइडिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स है यहाँ पे। तो अब धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है और अगेन मैं आपके माध्यम से मीडिया का जो रोल है वो इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिस तरह से आप रियासी को दिखा सकते हैं। जब भी मैं डेली एक्सेलसियर का अखबार खोलती हूँ, ऐसा बड़ा रेयर हुआ कि हर महीने मुझे एक ऐसी फोटोग्राफ जो है एक कॉरेस्पॉन्डेंट ने ज़रूर डाली होती है जो रियासी की होती है। कल के अखबार में मैंने कौड़ी की फोटोग्राफ देखी, जो वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जहाँ बन रहा है उसकी एक बहुत फ्रंट पेज के ऊपर फोटोग्राफ है। तो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आप लोगों का बहुत इसमें योगदान रहेगा कि आप रियासी को जो इंडिया के मैप पे अगर आप ला सकते हैं तो वो आपके थ्रू ही हो सकता है। सुखदर्शन शर्मा उर्फ टीनू हमारे साथ हैं, ये जे प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं। सर, किस तरह से आइडिया आया इस गाने को बनाने का और किस किन किन लोगों ने इसमें योगदान दिया और किस तरह से ये पूरा शूट हुआ? देखिए, मेरी सिस्टर जो हैं अंकुशा शर्मा, तो वो प्रमोट करती हैं डोगरी कल्चर को लेके, उन्होंने काफ़ी बार प्रमोट किया, काफ़ी बार पेपर में भी आया, आपने देखा होगा। तो लास्ट ईयर वो यहाँ पे आए थे, तो हमारा माइंड में ऐसे कंसेप्ट बना कि हमारे जो रियासी के बच्चे हैं जो सिंगिंग में हैं, एक्टिंग में हैं, तो क्यों ना हम उनको प्रमोट करें। तो हमारा ये हुआ कि हमने जम्मू में गए, हमारे सर थे, उनसे हमने बात की, वो बोलते ठीक है जी हम आपको करें, उन्होंने हमें रास्ता दिखाया। तो उसके बाद दीदी ने, अंकुशा शर्मा जी ने, उन्होंने कहा कि ठीक है हम रियासी के बच्चों को लेके प्रमोट करते हैं रियासी के बच्चों को। तो फिर ये गुरजीत जी मिल गए इनके साथ, ये उनके स्टूडेंट भी हैं, वो स्कूल में थे। तो इनका कोई गाना सुना होगा पहले जो अच्छा लगा होगा उसके बाद? हाँ, इन्होंने गुरजीत जी ने डोगरी में दो तीन गाने निकाले हुए हैं जो काफ़ी सुने गए थे उस टाइम, काफ़ी चले थे इनके गाने। तो उसको लेके फिर हमारा कंसर्ट बना इनको लेके कि पंजाबी सॉन्ग निकालते हैं, पंजाबी सॉन्ग एक देते हैं जो जे ए प्रोडक्शन है अंकुशा शर्मा जी मेरी सिस्टर की। तो वो पहला गाना जो हम ये हंजू रिलीज़ कर रहे हैं, कल इसकी रिलीजिंग हुई थी और बहुत अच्छा रहा ये गाना। तो मैं सभी से कहूँगा कि ये गाना ज़रूर देखें आप, और हमारे जो रियासी के युवा जो बच्चे हैं नई, हाँ जो नए आर्टिस्ट हैं, तो उनको प्रमोट करें। मैं तो मीडिया से भी कहूँगा, रियासी के लोगों से कहूँगा, समाज से कहूँगा कि ये बच्चे हैं इनको एक नई दिशा मिल रही है, तो इन सभी को प्रमोट करें, रियासी का भी नाम आएगा और हमारे बच्चे। एसएसपी मैडम यहाँ पहुँचे थे, उन्होंने क्या कहा गाने के बारे में, क्या उन्होंने गाना देखा? उनको गाना बहुत अच्छा लगा, तो वो तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मतलब रियासी के किसी सिंगर ने ऐसा गाना बनाया हुआ है या गाया हुआ है इतने अच्छे से। तो उनको काफ़ी अच्छा लगा गाना, उन्होंने काफ़ी मतलब सराहना की है इस गाने की और इनको आशीर्वाद, गुरजीत को आशीर्वाद भी दिया उन्होंने। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं अंजय शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। गायक गुरजीत सिंह का हंजू गाना कल का रिलीज़ हुआ है और आज रियासी में गाने के रिलीज़ के मौके पर एक फंक्शन रखा गया था, उसी फंक्शन में हम मौजूद हैं और हमारे साथ गायक गुरजीत सिंह मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का गाना है और किन किन लोगों का इसमें योगदान है, कहां कहां पे इसकी शूटिंग हुई? थैंक यू रियासी अपडेट, थैंक यू अंजित भैया। ये गाना पंजाबी गाना है जिसका नाम हंजू है, इसको लिखा है केशव शर्मा ने, इसका म्यूजिक किया है यंगवी ने, वीडियो किया है सीन संदीप बेंस फिल्म एंड प्रोडक्शन, ये जो सारी टीम है मेरी जम्मू की है। और ये जो गाना है ये जे ए प्रोडक्शन हमारी एक यूके बेस्ड कंपनी है जिसके प्रोड्यूसर हैं मेरी दीदी अंकुशा शर्मा जी और जीजा जी हैं। सो ये उनके मतलब कंपनी पे गाना रिलीज़ किया है जे ए प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल पे। सो कल का गाना रिलीज़ हो गया है, आप सारे बहुत प्यार दे रहे हैं, बस ऐसे ही प्यार देते रहो। डिज़ाइनर कौन था उस ड्रेसअप का, क्योंकि वो काफ़ी अट्रैक्शन रहा ड्रेसअप पे ना, हमने पहले भी पोस्टर भी देखे और जब गाना भी कल फाइनली आपका देखा, वो कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान वहाँ आकर्षित हो रहा। देखो, जे ए प्रोडक्शन जो है ये एक जे ए फैशन कंपनी थी जो कि अंकुशा दीदी की है, वो बहुत बड़े लेवल पे मॉडलिंग फंक्शन करवाते हैं जम्मू एज वेल एज ऑल ओवर इंडिया एंड फॉरेन में। तो उन्होंने ये पूरी ड्रेस डिज़ाइन करवाई है, जो उन्होंने करवाई है दिल्ली से, जतिन करके डिज़ाइनर है। सो बाकी ये सब कुछ अंकुशा दीदी ने करा है। इससे पहले आपका एक डोगरी सॉन्ग आया था जिसे आपने नए क्लेवर के साथ, फ्लेवर के साथ लोगों के सामने रखा था, क्या उस तरह का कुछ और भी करने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये एक गाना है
बड़ी जल्दी हम एक और पंजाबी गाना लेके आ रहे हैं और डोगरी भी ऑलमोस्ट रेडी हैं, बट एक एक करके करेंगे। सो होपफुली इस साल 3 से 4 गाने तो मिनिमम रिलीज करेंगे। हंजू का किस तरह से रिस्पांस मिला? बहुत अच्छा, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि देखो एक तो होती है जो एस्टेब्लिश्ड कंपनी है उस पर आप गाना दो तो वो ऑलरेडी है कि व्यूज़ बहुत आ जाते हैं, लेकिन ये जे ए प्रोडक्शन का पहला गाना है और पहले गाने पे मतलब आई थिंक अब तक 7-8 हज़ार व्यूज़ हो गए होंगे, सो इनफ है। और बाकी लोगों के जो फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, जो मैसेजेस आ रहे हैं वीडियो को लेके कि भाई आपने मज़ा दे दिया, तो बस वो वीडियो टीम के बारे में थोड़ा जानना। वीडियो ये संदीप है मेरा दोस्त, मेरा भाई, ये सारा उसी ने करा है। उसके आगे फ्रेंड्स हैं जो उनकी पूरी टीम है, सो बहुत अच्छी टीम है मेरे जम्मू में मुझे, क्योंकि ये सारे पंजाब में काम करते, जैसे मैं भी पंजाब में काम करता था, लॉकडाउन के दौरान सारे घर में फंस गए, तो एक मतलब कोइंसिडेंस से एक अच्छी टीम बन गई है, तो होपफुली उनके साथ ही आगे हमारे प्रोजेक्ट बहुत सारे आ रहे हैं। हमने देखा ये कॉन्सेप्ट बेहद ही अच्छा था उसमें, ये कॉन्सेप्ट किसने सोचा, क्या जो डायरेक्शन जिन्होंने की उन्होंने ये सोचा था या फिर आपके मन में ही आया? कॉन्सेप्ट देखो ये मैंने और दीदी ने ही ऑलमोस्ट, उन्होंने गाना सुना था तो उन्होंने कहा था कि क्यों ना भाई इसको ऐसे करें, तो बस ये है कि फिर हमने पूरी टीम के साथ डिस्कस किया तो फिर पूरा स्क्रीन प्ले बनाया इसका। सो हाँ, दीदी ने इसका मतलब बोल सकते हैं कि स्टोरी मैक्सिमम दीदी के ही। बेस्ट विशेस सर। थैंक यू भाई, थैंक यू, शुक्रिया। तो ये थे गुरजीत सिंह, जिनका हंजू गाना कल का रिलीज़ हुआ है और आज इस मौके पर रियासी में भी एक कार्यक्रम रखा गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।